एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली स्पेशल डिश आलू पोस्तो। ये रेसिपी आलू और पॉपी सीड से बनता है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 बड़ा साइज का आलू लिया था और आलू को कटिंग कर लिया। देखो, आलू का पीसेस को ज्यादा बड़ा भी नहीं किया और ज्यादा छोटा भी नहीं किया, मीडियम साइज करके कटिंग किया। और आलू पोस्तो बनाने के लिए जो मेन चीज चाहिए वो है पॉपी सीड्स यानी खसखस। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच खसखस लिया और लेंगे 2 हरी मिर्च। इसे अभी स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। दूसरे साइड में एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और डालेंगे तेल। तेल को थोड़े टाइम के लिए गरम कर लेंगे। तेल गरम होते ही फोड़ने के लिए देंगे लाल मिर्च और 5 फ्रंग। ये सभी को खुशबू आने तक भूनेंगे। थोड़े टाइम भूनने के बाद फोड़नी से एक अच्छा सा खुशबू आने लगा। अब डालेंगे कटिंग किया हुआ आलू। सभी आलू को डालने के बाद इसे फोड़नी के साथ थोड़े टाइम के लिए भूनेंगे। इस टाइम मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखा। अभी इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। 3 मिनट बाद देखो आलू का कलर थोड़ा चेंज हो गया। इसे अभी पलट देंगे। देख के लग रहा है आलू हमारा आधा भून चुका। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को आलू के साथ अच्छे से मिलाएंगे। नमक को मिलाने के बाद देंगे पानी। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाला। पानी को लेवल कर देंगे आलू के साथ। अब देंगे 1 कटिंग किया हुआ टमाटर। अभी इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। 5 मिनट बाद चेक करते हैं आलू अच्छे से बॉईल हुआ के नहीं। देखो आलू बॉईल हो चुका और टमाटर भी गल गया। आलू और टमाटर को मिलाएंगे और डालेंगे खसखस का पेस्ट, जो पेस्ट को मैंने पहले से ही बना कर रखा था। अभी सभी को मिलाएंगे। देखो खसखस का पेस्ट आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका। फिर से इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 4 मिनट बाद देखो ये थोड़ा ठीक हो चुका। लगता है आलू पोस्तो हमारा तैयार। अब खुशबू के लिए डालेंगे हरी मिर्च, मिलाएंगे और इस टाइम में गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखो बंगाली स्पेशल रेसिपी टमाटर आलू पोस्तो हमारा तैयार। आप लोग इसे गर्मा गर्म राइस के साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।